92.7 बिग एफएम पर हमें आपके साथ रांची की राशि और आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनकी अभी अभी एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड बुक लॉन्च हुई है। तो चलिए उन्हीं से उनका परिचय लेते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग स्पॉटलाइट में। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें। जौहर, मैं हूँ स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार, ऑथर ऑफ माई कमबैक ट्रेल, रांची की राशि के साथ बिग स्पॉटलाइट पर। तो मनीष जी, हमें ये बताइए कि आपकी ये जो किताब है माई कम बैक ट्रेल, ये किस चीज के बारे में है एग्जैक्टली? माई कम बैक ट्रेल एक एयरफोर्स पायलट की कहानी है। राशि, आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें कैंसर डिटेक्ट होता है, वो अपनी मानसिक शक्ति के बल पर, अपने मेंटल स्ट्रेंथ के बल पर उस बीमारी से विजय पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ या पैर कट जाते हैं और वो जाकर माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराते हैं। ये लोग ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा होता है। पर अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा शख्स हो जिसे अपने मानसिक शक्ति पर, अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे, अपने मेंटल एबिलिटी पर ही डाउट होना शुरू हो, क्योंकि डॉक्टर उसे डिप्रेशन का शिकार मानते हैं, लोग उसे डिप्रेशन का मरीज मानते हैं, ये ऐसे शख्स की कहानी है जिसका सब कुछ खो जाता है। उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी वाइफ उसके बेटे को लेके उससे अलग हो जाती है, उसके इन्वेस्टमेंट्स डूब जाते हैं और वो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो यह शख्स अपने बल पर, अपने विल पावर के बल पे न केवल डिप्रेशन से लड़ता है पर अपनी असफलता पे भी विजय पाता है। और ये शख्स आगे चलकर एक ऑथर बनता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता है और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनता है। तो ये कहानी उन कंडीशंस की है, उन सिचुएशंस की है जिसमें इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, अपने संगे साथी इससे छूट जाते हैं और ये आगे जाकर अपने डिप्रेशन पे विजय पाता है। तो ये कहानी केवल इस शख्स की नहीं है, ये कहानी उस इंसानी जज्बे की है, उस ह्यूमन स्पिरिट की है जो सारी कठिनाइयों से, सारे प्रॉब्लम से, सारे सिचुएशन से अपने को उबार पाता है। यह कहानी हर एक उस शख्स की है जिसने विषमताओं से, प्रॉब्लम से, सिचुएशन से अपने को उबारा है। 92.7 बिग एफएम पर हमें आपके साथ रांची की राशि और आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। तो आज बिग स्पॉटलाइट में हमारे साथ बात करने के लिए हैं माई कम बैक ट्रेल के ऑथर स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार जी। मनीष जी, इस किताब के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? राशि, माई कम बैक ट्रेल लिखने का जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा थी, वो नेगेटिव न्यूज से मुझे मिली। मैं आए दिन अखबार में पढ़ता था कि फलाना बच्चे ने, 10th क्लास के, 12th क्लास के बच्चे ने कुछ कम नंबर आने से या किसी एग्जाम में फेल होने से अपनी जान ले ली, तो मुझे बड़ा दुख होता था। मुझे पर्सनल लॉस, आई यूज टू फील इट लाइक माय पर्सनल लॉस, कि काश मैं इस बच्चे की जान बचा पाता। तो मैंने कांटेक्ट किया यहाँ के दैनिक भास्कर के सीनियर एडिटर हैं मिस्टर कुंदन कुमार चौधरी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा लक्ष्य एक कॉलम है, उसमें आप मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखिए। तो वो लिखते लिखते मेरे को लगा कि इसकी पहुंच है, पर कुछ ऐसी किताब लिखी जाए जो हमेशा हमेशा के लिए, यू नो, लाइक इट बिकम्स अ ब्लू बुक, ए हैंड बुक फॉर कमबैक। तो ये उन बच्चों के लिए है या उन बुजुर्गों के लिए है जो जीवन से हार मान चुके हैं या मारने वाले हैं, जिन्होंने असफलताएँ देखी हैं, क्योंकि डिप्रेशन कैसे होता है, कब होता है, ये पता भी नहीं चलता और आप सडनली, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो मैंने एक किताब में लिखा है कि कैसे आप पता आपको चले कि आप डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहे हैं और कैसे छोटी मोटी चीज़ों को करके, डेली रूटीन में अपने इंक्लूड करके, जैसे कि मेडिटेशन है, जैसे कि योगा है, प्राणायाम है और संगीत है, दोस्तों से बात करनी है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और फिजिकल एक्टिविटी जो कि मस्ट है। मैं आपको बता दूंगा, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। तो ये किताब उन लोगों के लिए खासकर लिखी गई है जिनको प्रेरणा की ज़रूरत है, उनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है कि कैसे कोई आदमी इतना कुछ होने के बाद, इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद, अपना सब कुछ खोने के बाद भी उस डिप्रेशन से, उस मानसिक स्थिति से उबर पाता है और कैसे वो ना उबरता है पर आगे जाके सफल भी होता है। तो यह था मेरा इंस्पिरेशन इस किताब को लिखने का। तो स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार जी से बातें जारी रखेंगे उनकी किताब माई कम बैक ट्रेल के बारे में, सिर्फ बिग स्पॉटलाइट पर। हमें आपके साथ रांची की राशि बिग एफएम पर। धुन बदल के तो देखो।
92.7 बिग एफएम पर हमें आपके साथ रांची की राशि और आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। तो आज बिग स्पॉटलाइट में हमारे साथ बात करने के लिए हैं माय कमबैक ट्रेल के ऑथर स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार जी। मनीष जी, इस किताब माय कमबैक ट्रेल की कहानी आपके लिए कितनी पर्सनल है? राशि, मार्टिन सुक्रोज एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहीं लिखा है कि द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव। सो अभी तक जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा था, वो शख्स और कोई नहीं, मैं ही हूँ। ये मेरी कहानी है और ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी उस समय की है जब मैं फौज छोड़ के, फौज से रिजाइन करके आया था, और कैसे मैंने किताब लिखी थी बी योर ओन पायलट, जिसमें फॉरवर्ड जॉन हरिचरण का है, जो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर है। उन्होंने लिखा था कि द बुक विल सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज, पर वैसा हुआ नहीं। पर उस आशा में मैंने सारे पैसे अपने प्रमोशंस में लगा दिए, तो मैं बिल्कुल भी खाली हो गया था मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, पैसे की वजह से। तो उस समय हमारी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो अलग रहना चाहती है, हमारे बेटे को लेके अलग हो गई। तो वो बेटा मेरा 6 साल का था उस समय, तो उस बेटे से बिछड़ने का दर्द एक बाप या एक पिता ही जान सकता है। और उसके बाद जो स्ट्रगल था कि किताबें छपी हुई थी, उनको बेचना था, और हर एक जगह नो का आंसर मिलता था। मोटिवेशनल टॉक्स के लिए अप्रोच करते थे तो वहाँ भी लोग तैयार नहीं होते थे। तो उसी समय किसी को मैंने अपनी मानसिक व्यथा, अपना मेंटल स्टेट बताया, तो उन्होंने मेरे को एक किताब दी, साधना, स्वामी शिवानंद की। उसमें कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस थे, वो मैंने किया। धीरे धीरे हालत सुधरने शुरू हुई, फिर लेक्चर्स मिलने शुरू हुए, फिर किताब भी बेस्ट सेलर हुई, और धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन खत्म हुआ। तो ये कहानी बिल्कुल ही पर्सनल है और सच्ची कहानी है, और इस उद्देश्य से लिखी गई है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिले। तो स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार जी से बातें जारी रखेंगे उनकी किताब माय कमबैक ट्रेल के बारे में, सिर्फ बिग स्पॉटलाइट पर। हमें आपके साथ रांची की राशि बिग एफएम पर, धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर हमें आपके साथ रांची की राशि और आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। तो आज बिग स्पॉटलाइट में हमारे साथ बात करने के लिए हैं माय कमबैक ट्रेल के ऑथर स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार जी। तो मनीष जी, हमें जरूर बताइए कि ये किताब कहाँ कहाँ अवेलेबल है और हमारे लिसनर्स और रीडर्स के लिए क्या मैसेज है। माय कमबैक ट्रेल अवेलेबल है amazon.in पे, amazon.com पे, amazon.co.uk पे और फ्लिपकार्ट पे, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। और ये अवेलेबल है mycomebacktrail.com और manishkumar.co पे। मेरा मेरे सुनने वालों से, मेरे श्रोताओं से और मेरे रीडर्स से ये अनुरोध है, खासकर उन बच्चों से जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कुछ नंबर कम आने से या एग्ज़ाम पास नहीं करने से। मैं 20 साल से इस प्रोफेशन में हूं और मैंने देखा है कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है एक असफलता के बाद। तो किसी असफलता पे, किसी मुश्किल पे निराश नहीं होना। और इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट, रिमेंबर फ्यूचर स्टिल रिमेन्स। अगर आप लोगों की जीवनियां देखोगे तो आप सर्च करके देखना वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेलियर्स, एंड ऐसे लोग बाद में जाके सफल हुए हैं। अगर श्री अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लें तो उनको ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट किया गया था उनकी भारी आवाज़ के लिए, आज पूरी दुनिया उनकी आवाज़ की दीवानी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने सर्कल में कम से कम एक ऐसे दोस्त को जानते होंगे जो जल्दी हताश हो जाता है, जो जल्दी निराश हो जाता है। अगर आप ये किताब मत भी पढ़ो तो उस शख्स के लिए एक किताब ज़रूर प्रेजेंट करो, उसको किताब पढ़ने को बोलो जो जिसको इस किताब की ज़रूरत है। क्या पता आपकी ये छोटी सी भेंट, छोटा सा प्रेजेंट, छोटा सा गिफ्ट उसके जीवन को संवार देगा या उसकी जान बचा लेगा। तो इसके साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। 92.7 बिग एफएम पर हमें रांची की राशि आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट, धुन बदल के तो देखो।